हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशन जहां एंड दिस इज माय न्यू चैनल लर्नर्स चैप्टर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रिमूव स्प्लिट एंड फ्रॉम योर हेयर। और ये देखें, ये आपके सामने जो मैं हेयर दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारे स्प्लिट एंड अच्छी है, इनके हेयर का टेक्सचर काफी अच्छा है, मगर इसमें स्प्लिट एंड हो गए। तो इसको आप घर पर किस तरह रिमूव करेंगे, इजीली आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आप पहले सबसे पहले देखें, पोर्शन कर रही हूँ इन बालों के, पोर्शन कर लें, डिवाइड कर लें बालों को। इजीली आप कैचर लगा लें अपने बालों में, इनको 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड कर लें, और यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 पार्ट में। इसके बाद आप इन बालों को ट्विस्ट करती जाएं, इस तरह ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करती जाएं, टाइटली ट्विस्ट कर लें, और ट्विस्ट करने के बाद अपने कॉम्ब से इसको बैकवर्ड में लाइट लाइट सा बैक करें, तो इसमें जो इसके एंड होंगे ना, छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स होते हैं या उसके एंड होते हैं, जहाँ पे स्प्लिट एंड बालों के एंड पर ही होते हैं, तो वहां से ये बाल आ जाएंगे निकल के। तो इसको आप बहुत एहतियात से सीजर लेकर आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कट करती जाएंगी, ठीक है। इस तरह आपको कट करना है, ये आप कट करती जाएंगी। इसी तरह सारे बालों को ट्विस्ट करती जाएं और कट करती जाएं, टाइटली ट्विस्ट करें, टाइटली ट्विस्ट करें और टाइटली ट्विस्ट करके इसको कट कर दें। अच्छा, स्प्लिट एंड होने की जो बेसिक वजह ये होती है कि आप बालों में ऑयलिंग प्रॉपर नहीं होता, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, और इसके अलावा ये होती है कि आप जो है इसको रेगुलरली ट्रिम करवाते रहें अपने बालों को, तो फिर स्प्लिट एंड्स आपके बालों में तो होंगे ही नहीं, और अगर हो जाएं तो ये तरीका है कि आप अपने बालों को बालों से स्प्लिट एंड रिमूव कर सकें। बालों के स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने के लिए आप कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज लगा लिया और वो स्प्लिट एंड्स जुड़ जाए आपस में। वो स्प्लिट एंड्स जब एक दफा हो गए तो ये जुड़ नहीं सकते, तो इसको आपको कट ही करना पड़ता है, इस तरह कट करने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सिर्फ बालों के नीचे, बिल्कुल एंड्स पर नीचे नीचे, ऊपर साइड पर स्प्लिट एंड्स नहीं होते, तो नीचे के स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का इजी वे है कि आप नीचे से अपने बाल थोड़े से ट्रिम करवा लें, 2 इंच तक ट्रिम करवा लें, तो आपके बालों के ट्रिम जो स्प्लिट एंड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपके बालों में ऊपर ऊपर तक स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, तो ये वे है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप ट्विस्ट करें टाइटली, ट्विस्ट करने के बाद इन जो भी आप अपनी फिंगर की मदद से, 2 फिंगर्स की मदद से या कॉम की मदद से बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा बैक करें, और जो छोटे बाल निकल आएंगे उनको ट्रिम कर दें, ठीक है। ये देखें, ये उंगलियों की मदद से आप इसको बैकवर्ड में थोड़ा सा कॉम की मदद से या 2 फिंगर्स की मदद से आप बैक करें, और इनको आप साइड से ट्रिम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बालों को नरिश करने के लिए, बालों को अपने ग्रो अच्छा करने के लिए, या उनके बालों में शाइन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कि आप मुख्तलिफ मास्क अप्लाई कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हेयर मास्क वगैरह बताऊंगी कि वो हेयर मास्क जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। इस तरह आप अपने बालों को ट्रिम करती जाएं स्प्लिट एंड्स को। इसके अलावा ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाया गया है, काफी अच्छा खासा टाइम लेता है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो छोटी छोटी पतली पतली लेयर लें बालों के, सेक्शन पतली सेक्शंस लेकर इनको ट्विस्ट करें, और ट्विस्ट करने के बाद इनमें से अपनी 2 फिंगर्स की मदद से या फिर कॉम की मदद से बैकवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा कॉम करें, और जो छोटे छोटे बाल निकल आते हैं इसको ट्रिम कर दी जाए। और इस तरह आप जब ट्रिमिंग करती जाएंगी, तो आपके सारे हेयर से स्प्लिट एंड्स को ट्रिम कर देंगी, तो खत्म हो जाएंगे सारे स्प्लिट एंड्स, ठीक है। और स्प्लिट एंड्स खत्म होने के बाद आपके बालों में, जब आप इसके बाद कॉम करें, इसके आपके बालों में देखें कितनी अच्छी शाइन आ गई है इनके बालों में, और स्प्लिट एंड्स खत्म होने के बाद रफ बाल भी नहीं नजर आ रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज मेरे चैनल।